प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल्स में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ए एंड द का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ए एंड द का यूज़ कैसे करते हैं वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे और आपको ये रिमाइंड देते रहेंगे कि कहाँ पर एन यूज़ होगा, ए यूज़ होगा और द यूज़ होगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि इंग्लिश के टोटल अल्फ़ाबेट मींस ए टू जेड अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं, दैट इज़ 26। अब उन 26 में से हम 5 अल्फ़ाबेट बाहर निकाल देते हैं। वो कौन से अल्फ़ाबेट जो हमने बाहर निकाले हैं, दैट इज़ ए ई आई ओ यू। तो ये जो 5 अल्फ़ाबेट मैंने बाहर निकाले हैं इनको क्या कहा जाता है, वोवल कहा जाता है। ठीक है, वोवल, इन्हें वोवल कहा जाता है इन 5 अल्फ़ाबेट को। तो 26 में से 5 को लेस किया तो कितने बचे हमारे पास, 21। तो जो 21 हमारे पास रह गए हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि वोवल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। इसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हो एन, ए और द को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉमन नाउन जो बोलने से पहले हिंदी में अ की आवाज़ देता है और ए ई आई ओ यू वोवल से शुरू होता है, उनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन आउल, एन एग, एन अम्ब्रेला। इसका मतलब है कि कई बार जो नाउन हम बोलने से पहले हिंदी में अ की आवाज़ आती है उनकी, ठीक है, जैसे आउल, एग, अम्ब्रेला, इन सभी में अ की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर मैंने एन यूज़ किया है। दो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, नंबर वन इज़ कि साउंड अ का आना चाहिए और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है वो कहाँ से क्या है, ए ई आई ओ यू। जहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड जो है ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होंगे वहाँ पर एन यूज़ होगा, और इसी के साथ आपने देखना कि उसका साउंड जो है वो अ का आना चाहिए। अगर साउंड अ का नहीं आ रहा और जो स्टार्टिंग वर्ड है ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर एन नहीं लगेगा, वहाँ पर यूज़ क्या होगा, ए। आइए नेक्स्ट पॉइंट्स में देखते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी हैं जो ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, लेकिन उनकी आवाज़ वोवल वाली यानी अ वाली नहीं होती। जैसे यूरोपियन, अब एग्जांपल में देखिए यूरोपियन, और दूसरा क्या है एग्जांपल, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है और यूरोपियन मतलब स्टार्टिंग वाले जो वर्ड हैं वो हमारे यू और ई हैं, लेकिन इनकी जो साउंड है वो अ की नहीं है, इसलिए इनसे क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, ए, यहाँ पर एन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट। कई बार सिंगुलर नाउन के स्टार्ट में आरंभ में कॉन्सोनेंट प्रयोग किया जाता है लेकिन साउंड अ होने के कारण एन लगाया जाता है। ठीक है, कि कई बार कॉन्सोनेंट जहां पर कॉन्सोनेंट आ जाए और उसका साउंड जो है वो अ आ जाए तो वहां पर भी हम एन यूज़ करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है एच ओ एन ई एस टी, हॉनेस्ट, इट मीन्स ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इट मीन्स अ की आवाज़ आ रही है तो अ यहाँ पर क्या आएगा, एन। नेक्स्ट वन इज आवर, आवर अ से आवाज़ आ रही है तो क्या आएगा, एन। उसके नेक्स्ट देखिए एम पी, एम उम अ, अ की आवाज़ आई तो एन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट सुपरलेटिव डिग्री। जैसे जहाँ पर बेस्ट, टॉलेस्ट, हाइएस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, वो पता है ना आपको, तो जो सुपरलेटिव डिग्री आ जाए वहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, द को यूज़ करना है। वहाँ पर ना तो आपका ए आएगा ना एन आएगा, आपने वहाँ पर दा ही यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद है जो चीज़ दुनिया में एक है, अकेली है, उसके जैसी दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है, उसके साथ भी आपने दा ही यूज़ करना है, कुछ और चीज़ नहीं आप यूज़ कर सकते। ठीक है, जैसे द सन, सन ज़्यादा तो नहीं है, सन एक ही है ना, द मून, द ईस्ट, द रेड फोर्ट, मतलब जो चीज़ अकेली है, सिंगल है, पर्टिकुलर चीज़ है, वहाँ पर द यूज़ होगा।
उसके नेक्स्ट देखिए, नदियों, सागरों, महासागरों के नाम से पहले भी द यूज़ होगा, कि नदियों का वर्ड आ जाए, यहाँ पर रिवर्स आ जाए, ओशंस आ जाएं, ठीक है, वहाँ पर भी हमने द यूज़ करना है। इसी के साथ लास्ट पॉइंट है हमारा, जहाँ पर द गंगा, द यमुना, द रेड फोर्ट, ये हो गया। और इसी के साथ अखबारों, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी द का यूज़ होता है, ठीक है, जैसे द ट्रिब्यून, द टाइम ऑफ इंडिया, द गीता। तो धार्मिक चीज़ हो गई, कोई पुस्तक होगी, अखबार हो गई, या नदियों, सागरों, महासागरों के नाम आ जाए, या कोई चीज़ ऐसी जो स्पेशल हो, उसके जैसी कोई और चीज़ ना हो, वहाँ पर भी द आएगा, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन है ना, ये सिंगल पर्सन है, इसके जैसा कोई और नहीं है, तो वहाँ पर द यूज़ होगा। तो आपने इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में याद रखना है, तो आप कभी भी आपका यूज़ ए एन द में गलती नहीं होगी, ठीक है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि कई बार कॉन्सोनेंट आगे लगे होते हैं, स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी साउंड जो है वो अ से स्टार्ट हो रही है, आपने साउंड को ध्यान में रखना है। अगर उसका साउंड जो है अ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर एन ही लगाना है, और अगर उसका साउंड एन से सॉरी अ से नहीं है, तो आपने वहाँ पर क्या लगाना है, ए। और जो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, स्पेशल किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर यूज़ करना है हमने द। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।